नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल में। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कहां पर कामकाज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट यहां पर अवेलेबल है। हमने क्या डिस्कशन किया था, हमने फ्राइडे के दिन को मैंने आपको ये लेवल दिया था, अगर फ्लैट ओपन होते ही ऊपर की ओर चले तो हम एक कॉल की पोजिशन ले सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा टारगेट हिट नहीं हुआ, वहाँ से ही थोड़ा सा रिवर्सल आ गया। और जिसने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा वो थोड़ा बहुत फ्राइडे में प्रॉफिट में रहा होगा। बाद में कह सकते हैं सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी के रेंज में रही। और मैंने ये एक यहाँ कहीं भी आपको एक लेवल दिया था, कहीं नहीं यहाँ पर ये हैमर बनते ही फूट लिया होगा, तो ये भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर हुआ होगा। तो बात करते हैं कल बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर की ओर ये लेवल को ब्रेक करती है 43,100 को, तो हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। हमारा टारगेट होगा ऑल टाइम हाई का, पहला टारगेट 43,339 का। अगर इसको भी ब्रेक कर दी है तो हमें पीवेट के हिसाब से हम अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। पुट की और नीचे की ओर बात करें तो बैंक निफ्टी ये जो 24 का डेट का जो चार्ट है उसका जो ये लास्ट वाला सिंग है और ये लो फ्राइडे का, अगर इसको ब्रेक करती है नीचे की ओर तो हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। हमारा टारगेट होगा 42,641 का। अगर इसको भी ब्रेक होता है तो 42,500 और 42,400 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं निफ्टी, निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज करें। निफ्टी फ्राइडे के दिन एक रेंज में रही है, इतना कुछ मूवमेंट नहीं। आपने अगर लिया होगा तो कॉल यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद बाय किया होगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट में ही क्लोज किए होंगे, इतना ज़्यादा भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा क्योंकि ये बीच में देखो एक रेंज में थी। इसलिए अगर निफ्टी में मैं थोड़ा सा 80,600 के ऊपर ही मैं कॉल लूँगा तब तक मैं पर्सनली कॉल नहीं लेना चाह सकता, क्योंकि अगर इसको ब्रेक, ये हाई है, इसको ब्रेक होने के बाद हम कॉल ले तो 80,600 एक लेवल है, तो वहाँ से हमें एक डाउन साइड भी देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं यहाँ, अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो एक पुट की पोजीशन लूँगा। पहला टारगेट ये होगा 80,440 का। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद 80,440 नीचे की ओर ब्रेक होता है तो 80,327 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो मैं पीवोट के हिसाब से अपना कॉल लूँगा, वरना अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आता है तो मैं पुट की पोजीशन ले आप भी ले सकते हैं। 80,450 का हमारा पहला टारगेट, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 80,327 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।